बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकतबा इस्लामिया शेरगढ़ के मोअज़्ज़ज़ सामईन, आज हम इमाम महदी के बारे में दूसरी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस उम्मत पर एक ज़बरदस्त मुसीबत आएगी और इंसान जुल्म से बचने के लिए कोई पनाह की जगह न पाएगा। उस वक्त खुदा मेरी नस्ल और मेरे ख़ानदान में एक शख्स पैदा फरमाएगा और उसके ज़रिए ज़मीन को आदल व इंसाफ से भर देगा, जिस तरह के वो इससे पहले जुल्म और ज़्यादती से बरी हुई होगी। यानी इनसे पहले लोगों में आदल व इंसाफ नाम को न होगा, हर जगह जुल्म ही जुल्म छाया हुआ होगा और उनके आने पर सारी दुनिया इंसाफ से भर जाएगी। फिर फरमाया उनके अदल से ज़मीन व आसमान वाले सब राजी होंगे, आसमान ज़रा सा भी पानी बरसाए बगैर न छोड़ेगा और खूब मूसलाधार बारिशें होंगी। ज़मीन भी अपने अंदर से तमाम फल फूल गले और तरकारियां उगा देगी और इस कदर ग़िज़ाओं की बहुतात होगी कि जिंदा लोग मुर्दों की तमन्ना करने लगेंगे कि काश हमारे दोस्त व अहबाब और अकरबा भी जिंदा हो जाते तो इस आयश व खुशी के ज़माने को देख लेते। हज़रत महदी के ज़माने में माल इस कदर कसीर होगा कि उनसे अगर कोई माल तलब करेगा तो मुट्ठी भर भर कर उसके कपड़े में इतना डाल देंगे जितना वो उठाकर ले जा सकेगा। अबू दाऊद शरीफ की एक रिवायत में है कि महदी अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ की ज़िंदगी पर चलेंगे और उनके ज़माने में सारी ज़मीन पर इस्लाम ही इस्लाम होगा। हज़रत महदी 7 बरस हुकूमत करेंगे, फिर वफात पा जाएंगे। मुसलमान उनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। हज़रत महदी का कुफार से जंग करना, दज्जाल का निकलना और हज़रत ईसा का आसमान से उतरना, जो अहादीसी मुबारका में इसका ज़िक्र आया है, इंशाअल्लाह तीसरे वीडियो में हम हज़रत इमाम महदी का कुफार से जंग करना, दज्जाल का निकलना और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना, इसके मुतालिक हम तीसरे वीडियो में आपसे मुखातिब होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आने वाले हैं तो बराए करम हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।